एवरीवन वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ वेज मेयोनीज यानी मिल्क से। ये मेयोनीज हम विदाउट हैंड ब्लेंडर बनाएंगे यानी मिक्सर जार में बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है, सबसे पहले 1/3 कप मैंने यहाँ पे लिया है मिल्क। ये ठंडा दूध लेना है, जो भी इंग्रेडिएंट होगा वो ठंडा होना चाहिए, चिल होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा नमक चाहिए, थोड़ा सा विनेगर चाहिए 1 टेबल स्पून के करीब। और यहाँ पे लिया है मैंने चीनी, और चीनी डालेंगे 1/2 टीस्पून। तो इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एक मैंने मिक्सर जार लेना है और उसमें ऐड करना है दूध। तो यहाँ पे जो मैंने मिल्क लिया था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। यहाँ 1/3 कप मैंने मिल्क लिया है और इसमें ऐड करेंगे ये जो ऑयल, नमक और चीनी। तो पहले मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी और थोड़ा सा विनेगर। तो विनेगर यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून के करीब डालूँगी। और उसके बाद अब ये जो रिफाइंड ऑयल है ये एक साथ इसमें नहीं डालना, तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे। तो मैंने पहले थोड़ा सा डाला है, इसको थोड़ी देर मिक्सर में ब्लेंड कर लेंगे। तो इसे स्टार्टिंग में 2 मिनट, मुश्किल से 2 मिनट इसे ब्लेंड करेंगे आप, और 2 मिनट के बाद मिक्सर बंद कर दें। तो आप अभी इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बिल्कुल गाढ़ा नहीं हुआ है। तब इसमें थोड़ा सा तेल और डालेंगे और उसके बाद इसे फिर से ब्लेंड करेंगे। यहाँ इसको थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए ऑलिव ऑयल यूज़ किया जा सकता है। तो इसे फिर से 60 सेकेंड के लिए इसको मैं ब्लेंड करूँगी, यानी 1 मिनट और इसे ब्लेंड करूँगी। अब उसके बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये अब थिकनेस इसमें दिखने लगी है। तो अब मैं जो बाकी का बचा हुआ तेल है वो इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ। तो ये मैंने डाल दिया, मैंने यानी 1 कप तेल जो था वो मैंने पूरा डाल दिया है तीसरी बार में। और इसे फिर से मैं ब्लेंड करूँगी, इसे 1 मिनट के लिए और ब्लेंड करेंगे। तो ये देखिए, अब आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। थोड़ी देर में ये और ज़्यादा सेट हो जाती है और ये गाढ़ी हो जाती है। अगर आपको लगे पतला है तो इसे और थोड़ी देर ब्लेंड कर लें। तो अब आप देख सकते हैं मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बोल में। तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बिल्कुल कर्ड के जैसे ये बिल्कुल थिक लग रही है। ये बहुत इंस्टेंट बन जाती है, हेल्दी है और बिल्कुल वेज है, क्योंकि इसमें अंडों का यूज़ नहीं किया गया है इस मेयोनीज़ में। इसे बनाना बहुत आसान भी है, इसे मिक्सर में बना सकते हैं। तो ये मेयोनीज़ बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं, गार्लिक का या कुछ भी जो आपको पसंद हो। जो बेसिक मेयोनीज़ है वो बनके तैयार हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।